नमस्कार, बीके बिजनेस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड डिटर्जेंट, इन दोनों में से अगर हम बिजनेस स्टार्ट करें तो किस में ज़्यादा पैसा लगेगा और किस में कम पैसा लगेगा। तो देखिए, अगर आप छोटे लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप सैंपल के तौर पर 10 केजी 20 केजी बनाना चाहते हैं, 100 केजी तक बनाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। समझ में आ गया? जैसे इसमें रॉ मटेरियल हो गया, एसिड सलरी, SLS, लिक्विड सोडा है, कास्टिक सोडा, यह सब रॉ मटेरियल लगता है, कुछ और रॉ मटेरियल है। तो मान लीजिए अगर आप डिटर्जेंट पाउडर बनाना चाहते हैं, तब भी अगर 100 केजी तक आप बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप मैनुअली बना सकते हैं फारुए से। लिक्विड डिटर्जेंट आप बनाना चाहते हैं, वो भी आप 100-200 केजी तक आराम से बना सकते हैं, एक आप ले लीजिए ड्रम। और दूसरा बात यह है कि लिक्विड डिटर्जेंट का मार्केट अभी नहीं है, कहीं कहीं पर तो एकदम अभी बहुत से लोग जानते ही नहीं है लिक्विड डिटर्जेंट के बारे में। और डिटर्जेंट पाउडर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप कहीं से भी सेल कर सकते हैं, कहीं पर ले जाकर उसे सेल कर सकते हैं, वो बहुत ही आसानी से सेल हो जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर इसे हमें बनाना है तो इसमें खर्चा कितना आएगा? तो देखिए, अगर मान लीजिए आप डिटर्जेंट पाउडर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एसिड सलरी जो यह है, उसके बाद सोडा एस, डोलोमाइट, साल्ट, कास्टिक सोडा, यह तो इसका बेस हो गया। समझ में आ गया? उसके बाद मान लीजिए इसमें आप टीनोपोल, TSP, STTP, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं, सोडियम सिलिकेट भी ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गया? वहीं पर आप अगर लिक्विड डिटर्जेंट बनाना चाहते हैं तो एसिड सलरी, SLS लिक्विड, कास्टिक सोडा, उसके बाद इसमें कलर, परफ्यूम, यह सब भी ऐड कर सकते हैं। तो आसान अगर पड़ेगा और कम पूंजी लगाना पड़ेगा तो लिक्विड डिटर्जेंट। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 100 केजी डिटर्जेंट पाउडर बनाना चाहते हैं तो उसमें आपका अगर मान लीजिए 1000 रुपये लगेगा, वहीं पर आप अगर 100 केजी लिक्विड डिटर्जेंट बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें 500 रुपये लगेगा। इतना अंतर रहेगा, आधा का कम से कम अंतर। समझ में आ गया? और इसे मार्केट से लाना भी नहीं ज़्यादा आपको रॉ मटेरियल पड़ेगा। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा हमें वाटर का यूज होता है, तो वाटर हमारे घर पर ही है। इसमें अगर आपको मार्केट से लाना है तो एसिड सलरी, SLS लिक्विड, कास्टिक सोडा, साल्ट, कलर, परफ्यूम, यह सब आपको लाना है। वहीं पर आप अगर डिटर्जेंट पाउडर बनाना चाहते हैं तो डिटर्जेंट पाउडर में हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं साल्ट का, साल्ट भी हमें मार्केट से लाना पड़ेगा, तो उसे लाने में भाड़ा भी लगेगा। तो लिक्विड डिटर्जेंट है वो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कम खर्च में बना सकते हैं। आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तब भी आप लिक्विड डिटर्जेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग एकदम नए हैं और डिटर्जेंट पाउडर या लिक्विड डिटर्जेंट में से एक आप प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप दोनों बनाइए। समझ में आ गया? देखिए, रॉ मटेरियल तो आपको लाना पड़ेगा, चाहे आप डिटर्जेंट पाउडर बनाए चाहे लिक्विड डिटर्जेंट बनाए। इसके लिए बस आपको यही एक और लाना पड़ेगा, बोतल। बोतल 200 ग्राम का आता है, 500 ग्राम का आता है, 1 केजी का आता है, 5 केजी का आता है। तो आप कम से कम 100 बोतल तो लाइए, 100-100 का बंडल आता है। समझ में आ गया? 100-100 का बंडल आता है, तो आप 100 बोतल कम से कम लाइए। आप डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं करिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ ही साथ आप 100 बोतल लाइए, क्योंकि वही सब रॉ मटेरियल आपने लाया है। तो साथ ही साथ आप लिक्विड डिटर्जेंट भी बनाइए। मार्केट में जाएंगे तो आपका डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड डिटर्जेंट दो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ आप चाहे तो हैंड वॉश भी बना सकते हैं। मतलब देखिए, अगर आप डिटर्जेंट पाउडर बनाना चाहते हैं, डिटर्जेंट पाउडर का रॉ मटेरियल ला रहे हैं, तो आप उसी से चाहे तो पूरा टोटल आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे लिक्विड डिटर्जेंट, डिश वॉश लिक्विड, हैंड वॉश, ग्लास क्लीनर, यह सब आप उसी में बना सकते हैं। समझ में आ गया? इसके लिए आपको अलग से अब कोई भी प्रोडक्ट नहीं ज़रूरत पड़ेगा। हल्का फुल्का बन अगर पड़ेगा तो आपके वही लोकल मार्केट में ही मिल जाएगा। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए हैंड वॉश आप बनाना चाहते हैं तो आपको SLS लिक्विड लगेगा, ये तो आप लाएंगे डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए। साल्ट आपको लाना ही है,
डिटोल उटोल जो आपका है, नीम आयल ओयल है, ये आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा। जैसे नीम हैंड वाश बनाना चाहते हैं, डिटोल हैंड वाश बनाना चाहते हैं, समझ में आ गया। तो ये का प्रोडक्ट मत बनाइए। और इसमें आपको अलग से क्या खर्चा लग रहा है, जैसे मान लीजिए अगर आप हैंड वाश बनाना चाहते हैं इसके साथ साथ, तो भी आप 100-200 बोतल लाइए हैंड वाश का जो आता है। लिक्विड डिटर्जेंट बनाना चाहते हैं तब भी आप 100 बोतल लाइए। डिश वाश लिक्विड बनाना चाहते हैं तब भी आप 100 बोतल लाइए। बस आपका बोतल का खर्चा लगेगा, समझ में आ गया। तो यही सब आपको जानकारी देना था। आप अगर क्लिनिक प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे आप 100 kg बनाए चाहे 200 kg बनाए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक ही प्रोडक्ट को आप लेकर मत चलिए। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में सेल करने जा रहे हैं, तो बस आपके पास अगर डिटर्जेंट पाउडर रहेगा वो सेल होगा कि नहीं होगा, कम क्वांटिटी में सेल हो सकता है, समझ में आ गया। लेकिन अगर वहीं पर आपके पास 4-5 प्रोडक्ट रहेगा, जैसे डिटर्जेंट पाउडर हो गया, लिक्विड डिटर्जेंट हो गया, ग्लास क्लीनर हो गया, हैंड वॉश हो गया, कई प्रोडक्ट रहेगा, तो आपका कुछ ना कुछ अपना सेल होता रहेगा। और इसके लिए आपको खर्चा क्या करना है, बस वही जितना भी आपको है अलग से उसका बोतल बस लाना पड़ेगा। हैंड वॉश बनाना है आप बोतल लाइए, डिश वॉश लिक्विड बनाना है आप बोतल लाइए, ग्लास क्लीनर बनाना है आप बोतल लाइए, लिक्विड डिटर्जेंट बनाना है बस बोतल लाइए, बस बोतल का आपको खर्चा लगेगा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से थोड़ा आप तकनीक से अगर करेंगे काम तो बहुत ही कामयाब होंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरीके का नॉलेजबल जानकारी लेकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।